हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेस फॉर योरसेल्फ। मैं मोहित बालम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने वापका के वेबसाइट आपको कैसे अपलोड करते हो। तो इसके लिए मुझे अपने वेबसाइट को दो दिनों में करना होगा। तो इसके लिए मैं जाना होगा यहाँ पर साइट आईडी पे और लाइक मैं टाइम अपने वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं वेबसाइट ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं जनरल पर क्लिक कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हमें जाना होगा कंटेंट मैनेजर पे। ऐड फिर उसके बाद से मुझे मेरे को ब्लॉक करना है अपने वेबसाइट पे। तो मैं यहाँ पर मैं मेरे को ओपन कर लेता हूँ। अब कौन से फोल्डर में मैं फाइल को अपलोड करना चाहता हूँ उसके बाद फिर देखा मैं चाहता हूँ लेटेस्ट म्यूजिक पे उसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और अपलोड होने के लिए क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से आप चाहे तो ब्राउज कर सकते हैं फाइल को अपने कंप्यूटर से सुन सकते हैं। जैसे कि ये वाले मेरे फोन को फिर अपलोड अब यहाँ पर हम लोगों का फॉर्म यहाँ पर वापस साइट पे अपलोड हो रहा है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो अकाउंट अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करना होगा। तो क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे साइट का नाम आ रहा है जहाँ से मैंने अकाउंट को डाउनलोड किया है। तो मैं इस साइट के नाम को यहाँ पर हटा देता हूँ और अपना साइट का नाम लिख देता हूँ। आपको भी कुछ इस तरह से करना होगा। जहाँ जहाँ अगले वेबसाइट का नाम आएगा आपको अपना वेबसाइट का नाम देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जहाँ जहाँ अगले वेबसाइट का नाम आ रहा था जहाँ से मैंने अकाउंट को डाउनलोड किया था यहाँ पर मैंने उस वेबसाइट को नाम को हटा करके अपने वेबसाइट का नाम लिख दिया है। तो कुछ आप भी इसी तरह से अपने फाइल को कस्टमाइज कर लीजिएगा। अब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर यह सॉन्ग अपडेट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप अपडेट सक्सेसफुली। तो चलिए हम लोग चल के देखते हैं कि हम लोगों के करंट वेबसाइट पे ये सॉन्ग आया है कि नहीं। तो मैंने लेटेस्ट म्यूजिक पे ये सॉन्ग को अपलोड किया था, इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल अभी कोई सॉन्ग शो नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर एक कोड लगाना होगा। तो कोड लगाने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर, इसके बाद से WMHTML कोड पे ऐड फिर उसके बाद से ये वाले कोड को आप कॉपी करके अपने यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। मैंने इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अगर उस लिंक को प्रेस करोगे तो ये कोड को डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। तो आप भी इस कोड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा। तो इसके बाद से मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। इस विंडो को पहले कुछ मैं इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए CID बोल के एक कुछ है, योर ID, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मैं बैक चल जाता हूँ पहले। ये देखिए यहाँ पर हर एक फोल्डर का एक अपना CID होता है। जैसे कि यहाँ पर है 8512809। हर एक फोल्डर का अपना अपना एक CID कोड होता है। जैसे आप कॉपी कीजिए कंट्रोल सी और यहाँ पर देखिए योर ID पूछ रहा है। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा इस तरह से और उसके बाद से आपको एक और जगह पेस्ट करना होगा अपने CID कोड को। ये देखिए यहाँ पर योर ID को हटा करके आप इस कोड को फिर से यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद से आप सभी के बटन पर क्लिक कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का शो हो रहा है। जैसे ही हम लोगों ने अपने वेबसाइट में ये कोड लगाया
वैसे ही ये सॉन्ग हम लोगों के वापका के वेब फोल्डर में शो होने लगा। तो आपको भी कुछ इसी तरह से करना होगा। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा जैसे कि हम लोग ये फोल्डर को ले लेते हैं 2022 म्यूजिक को, ठीक है। तो इसके बाद से आप जाइएगा WMLST रिपोर्ट पे, सॉरी ऐड, यहाँ पर आपको फिर से वही वाला फोटो पेस्ट करना होगा। चलिए इसे फिर से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। और इस फोल्डर का नाम था 2017, ठीक है। तो इसके लिए मुझे फिर से जाना होगा इस फोल्डर पे, म्यूजिक पे, पहले 2017 म्यूजिक इसे क्लिक कीजिए। हर एक फोल्डर का एक अपना CID होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसे मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर मैं इसे लगाना चाहूँगा कुछ इस तरह से, कंट्रोल डी कंट्रोल वी, ओके। और सबमिट के बटन पे क्लिक कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई फाइल नहीं इसे शो नहीं कर रहा है। तो आपको हर एक फोल्डर में इस कोड को पेस्ट करना होगा और आपका CID हर एक फोल्डर का जो कंटेंट मैनेजर में है वो CID कोड, मतलब आप WML एस्टीमेट कोड में ये वाले कोड को जब पेस्ट करोगे तो उसके बाद से आपको हर एक फोल्डर का CID नंबर कॉपी करके वहाँ पर आपको पेस्ट करना होगा। ये आपका फाइल वापका के वेबसाइट के फोल्डर पर शो होगा। आपको हर एक फोल्डर में कुछ इसी तरह से करना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका फाइल नहीं शो होगा। आपको हर एक फोल्डर के लिए कुछ इसी तरह से सिर्फ वन टाइम आपको करना है। तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं कि अपने वीडियो फाइल के फोल्डर के फाइल को वापस के साइड पे कैसे शो करते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा वीडियो फॉर्म के फोल्डर पे। यहाँ पर मैं एक फोल्डर को मैं चूज कर लेता हूँ जैसे कि HD वीडियो फॉर्म को, और यहाँ पर WML एस्टीमेट कोड पे ऐड, और यहाँ पर मुझे फिर से वो वाला कोड को पेस्ट करना होगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक चेंजेस करना होगा, वो क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिस्ट म्यूजिक है, तो ये तो कोई म्यूजिक का फोल्डर नहीं है, ये तो वीडियो फोल्डर का है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको हटा करके वीडियो देख लूँगा, VIDIO, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से लिस्ट म्यूजिक, हटा करके VIDIOS, ठीक है। और यहाँ पर आपको फिर से वही योर ID, तो ये मैं बता ही देता हूँ, तो जैसे कि वीडियो के अंदर एक फाइल है इस वीडियो सॉन्ग, देखिए यहाँ पर इसका एक अपना CID कोड है इस वीडियो सॉन्ग का। देखिए आप कुछ तरह से कॉपी कर लीजिएगा वीडियो के फोल्डर पे जाके कंटेंट मैनेजर के अंदर, तो सी इसे यहाँ पर आप लगा दीजिए, कंट्रोल वी कंट्रोल सी, ठीक है। और यहाँ पर मैं सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको वीडियो के लिए यहाँ पर लिस्ट म्यूजिक आएगा, तो म्यूजिक को हटा के आपको वीडियोस करना है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। और आपको अपना कंटेंट मैनेजर में जाके उस फोल्डर का CID कोड कॉपी कीजिए और यहाँ पर इसे योर CID कोड यहाँ पर आएगा वहाँ पर इसे पेस्ट कर दीजिएगा, तो हो जाएगा। आपको पेस्ट करना होगा, ठीक है। आपको वीडियोस के लिए सिर्फ उतना करना होगा, लिस्ट म्यूजिक हटा करके सिर्फ वीडियोस करना है, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं आपको फिर से गाइड करने के लिए बता दूं अच्छे से, आपको हर एक फोल्डर में ये वाले कोड को पेस्ट करना होगा, ठीक है। ये वाले कोड जैसे कि ये वाले फोल्डर में हर एक फोल्डर में आपको ये वाला कोड को पेस्ट करना होगा। इस फोल्डर को पहले सिलेक्ट कीजिएगा, उसके पास कोड रहिएगा, फिर ये वाले कोड को पेस्ट कर दीजिएगा। अगर आपका म्यूजिक लिस्ट का कोड है
एमपी3 म्यूजिक का, तब आप रहने दीजिएगा। अगर आपका वीडियो सॉन्ग का है तो आपको लिस्ट म्यूजिक के हटा करके आप लिस्ट वीडियोस कीजिएगा, ठीक है। वो कैसे करना मैंने आपको बता दिया है। और हर एक फोल्डर का एक अपना CID कोड होता है, तो आप अपने वेबसाइट को एक अलग विंडो में खोल लीजिए, उसके बाद जाइए कॉन्टेंट मैनेजर में। तो अगर आप म्यूजिक के लिए अपने फोल्डर को बना रहे हैं तो पहले म्यूजिक फोल्डर को क्लिक कर लीजिए। आपने जितना भी फोल्डर बनाया होगा वहाँ पर वो लाइन से शो होगा। आप एक एक करके फोल्डर को उसका CID कोड लिखिए, फिर से इस तरह से कॉपी कीजिए, फिर जहाँ पर मैंने आपको बताया योर CID कोड है वहाँ पर इस कोड को पेश कर दीजिएगा। हर एक फोल्डर के लिए अपना एक CID कोड होता है, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। उसे पेश करने के बाद सबमिट कर दीजिए। फिर उसके बाद से आप जब भी अपने कंटेंट मैनेजर में जा करके कोई भी फाइल को अपलोड कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिकली इस इन सब फोल्डर में होने लगेगा कि आपने अपने फोल्डर में वो कोड को लगाया जो मैंने आपको दिया, जैसे कि ये वाला कोड। ये कोड बेसिकली इसी के लिए होता है जब भी फाइल आप कोई भी फाइल को अपलोड कीजिएगा अपने वापस की वेबसाइट पे, तो वो ऑटोमेटिकली इन सब फोल्डर में शो हो जाएगा। तो वन टाइम आपको ये प्रोसेस करना होगा, ये कोड को अपने फोल्डर में लगाना होगा। तो कैसे लगाते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपको कंप्लीट गाइड मिल गया होगा कि अपने वापका के वेबसाइट पे फोल्डर को फाइल को कैसे शो करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे वेबसाइट कैसे बनाते हैं, इंटरनेट से पैसे कैसे कमाते हैं और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।